हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो, माय वॉइस इज कमिंग? हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो बेटा, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? तो इन द लास्ट लेक्चर वी स्टार्ट द बूथ एल्गोरिथम। तो बूथ एल्गोरिथम के लिए क्या, सबसे पहले हमने पार्शियल सम मेथड पढ़ा था। तो इन विच देयर आर टू नंबर्स, वन इज मल्टीप्लायर एंड सेकेंड इज मल्टीप्लिकेयर। देन लाइकवाइज, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन विद 0 एंड 1। तो इन दिस इन बिटवीन देयर आर, इफ देयर इज नंबर इज 4 बिट, देन देयर आर 4 स्टेप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज कॉल्ड द पार्शियल सम। तो इसमें क्या है, ये इंडिविजुअल जो हमारे बीच के जो रिजल्ट हैं, वैन वी मल्टीप्लाई विद 0, देन वी मल्टीप्लाई विद 1 एंड नेक्स्ट। तो ये जो हमारे इंडिविजुअल जो रिजल्ट हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल सम कहते हैं। एंड डेट इज स्टोर्ड इन द रजिस्टर R1, R2, R3 एंड R4। तो इन विच जितने बिट का नंबर होगा तुम्हारा मल्टीप्लायर होगा, हाउ मच रजिस्टर वी रिक्वायर्ड फॉर टू स्टोर द रिजल्ट। तो फॉर 2n-bit नंबर, तो यदि हमें स्पेस, यदि वी वॉन्ट स्पेस रिक्वायर्ड, तो इन दिस स्पेस रिक्वायर्ड एम मल्टीपिकेंट हैव ए 4 बिट एंड क्यूब मल्टीप्लायर हैव ऑल्सो 4 बिट, देन टोटल स्पेस रिक्वायर्ड इज n+n, डेट इज 2n। तो लाइक वाई हेयर दैट इज रिक्वायर्ड 8 बिट। द पार्शियल सम मेथड हैव ए सम प्रॉब्लम बिकॉज इन दिस मेथड वी वॉन्ट रजिस्टर, एंड रजिस्टर इज वेरी कॉस्टली बिकॉज इट इज मेड बाई द फ्लिप फ्लॉप। सो वी यूज द सेकेंड मेथड इन विच वी यूज ओनली 1 रजिस्टर फॉर टू स्टोर द रिजल्ट, एंड वी अप्लाई द शिफ्ट राइट ऑपरेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द अर्थमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन। इन विच अगेन देयर आर 2 नंबर्स, 1 इज मल्टीप्लिकेशन एंड अगेन एंड सेकेंड इज द मल्टीप्लायर। लाइक वाइज आई टेक टू एग्जाम्पल, फर्स्ट 0101 इज अ मल्टीप्लिकेंट एंड 0110 इज द मल्टीप्लायर। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस एल्गोरिथम इज फर्स्ट वी टेक द टोटल 8 बिट रजिस्टर, हेयर मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट बोथ आर द 4 4 बिट, देन रिजल्ट टेक 2n-bit। तो सो वी टेक द रजिस्टर ऑफ 8 बिट, डेट इज 2n-bit। तो एंड वी इनिशलाइज ऑल द वैल्यूज ऑफ रजिस्टर विद 0। देन स्टेप नंबर 1 सेज फर्स्ट यू टेक द रजिस्टर टू स्टोर द रिजल्ट, एंड रिजल्ट टेक मैक्सिमम हाउ मच बिट, टू एन प्लस एंड 2n। तो हियर इन दिस केस 4 + 4 8-bit रजिस्टर, एंड इनिशियली वी इनिशलाइज द रजिस्टर विद ऑल जीरोस। सेकेंड स्टेप सेज, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 0, या फिर नेक्स्ट क्या, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एवरी टाइम वैन वी मल्टीप्लाई मल्टीप्लायर विद द मल्टीप्लिकेंट, देन वी सिंपली एड विद दिस रजिस्टर एंड शिफ्ट राइट ऑपरेशन। हमें क्या करना है, जितनी जो भी हमारा पार्सल सम आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, सिंपली एड टू दिस डेट रजिस्टर एंड सिंपली शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यदि हमें क्या है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, डेट मीन्स क्या हो गया, हमारा 4 टाइम्स शिफ्ट राइट ऑपरेशन अपडेट होगा, और क्या होगा इसके अलावा, 4 टाइम्स के हम पार्सल सम को ऐड करेंगे। तो ये हमने देखा था। तो इन दिस जैसे 0 0 0 था, फर्स्ट क्या है, यदि मैं 0 को 0 1 0 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, देन वी गेट अगेन 0 0 0। तो 0 0 0 से क्या होगा, हमारे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट वी शिफ्ट राइट, जैसे हम शिफ्ट राइट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो सेकंड हमने क्या करा था, जब 1 से मल्टीप्लाई करें, देन वी गेट अगेन 0 1 0 1, और इसको क्या करेंगे, हम सिंपली ऐड करेंगे। तो 0 1 0 से 0 1 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, अगेन वी गेट 0 1 0 1। तो 0 1 0 1 जब ये वाला नंबर है हमारा 0 1 0 1 ये यहाँ से, और इसको क्या करा हमने,
शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करा तो क्या हो गया, इसने पहले बिट को छोड़ दिया और 0101 हमारा यहाँ पे आ गया। थर्ड स्टेप नंबर थ्री, फिर अगेन हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करा वन से, तो वन से अगेन हमारा पार्सल सम क्या आया, 0101 आया। फिर हमने क्या करा, अगेन इसको ऐड करा इन जो ओल्ड रिजल्ट था, और इसमें क्या करा हमने शिफ्ट राइट ऑपरेशन अप्लाई करा। और फिर अगेन लास्ट स्टेप नंबर फोर में क्या होगा, जीरो से जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, 0 0 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे सिर्फ शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमें क्या है, अगेन वही रिजल्ट मिल गया जो प्रीवियस हमें पार्सल सम मेथड में मिला था, 4 times 1 and 0, और लाइकवाइज इसमें भी 4 times 1 and 0। तो ऑन दिस बेस वी हैव ए बूथ एल्गोरिथम। तो बूथ एल्गोरिथम सेज अगेन वी हैव ए टू मल्टीप्लायर। तो ये क्या है, हमारा मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्या है एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, बूथ एल्गोरिथम का। बट बूथ एल्गोरिथम की खास बात क्या है कि जब हमारा नंबर बड़ा होते जाएगा, अभी तो हम क्या है पार्सल सम मेथड में और जो सेकेंड मेथड था उन दो में क्या है हमारा कि जब नंबर हमारा छोटा है तो इसलिए हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कि हम यदि बूथ एल्गोरिथम में भी देखें तो लगभग क्या हमारा उतना ही स्पेस और ये सब रिक्वायरमेंट क्या है उतनी ही है। बट जैसे ही हमारा नंबर 16 बिट का हो गया, 32 बिट का हो गया, तो इन दिस केस बूथ एल्गोरिथम से जो हम यदि यूज करेंगे तो क्या होगा, हमें ड्रेस्टिकली चेंज मिलेगा कि बूथ एल्गोरिथम हमारी ज़्यादा बेटर एल्गोरिथम है इन कम्पेयर टू पार्सल सम मेथड। तो बूथ एल्गोरिथम में बेसिकली हमारा क्या होता है कि मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर दो अगेन वही होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो मल्टीप्लायर में हमारे नंबर ऑफ वन कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 की पावर 1 से स्टार्ट हुआ, और कहाँ पे ये फिनिश हो रहा है, 2 की पावर 4 पे। तो 2 की पावर 4 - 2 की पावर 1 हम क्या कर देते हैं, जहाँ पे हमारा क्या है बंच ऑफ वन या उसका ब्लॉक ऑफ वन, जहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे फिनिश हो रहा है, तो इट इज़ ए 2 की पावर 4 - 2 की पावर 1। ये क्या हमारा वन को रिप्रेजेंट कर रहा है इनटू एम। तो उसको मैंने दोबारा अगेन सॉर्ट आउट किया, तो 2 की पावर 4 m प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस एम हो जाएगा, माइनस वाला क्या होगा, तो ये क्या हो गया, माइनस एम का मतलब क्या हो गया, 2s कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या है, मैंने जो मेरा मल्टीप्लिकेंट था उसका मैंने एक बार कॉम्प्लीमेंट और एक बार विदाउट कॉम्प्लीमेंट इसको मैंने यूज़ करा। तो उसको फिर अगेन बेटा मैंने पूरा सॉर्ट आउट करा। और क्या है इसमें, हम क्या करेंगे एक चीज़ का और चेंजेस करेंगे, हमारा टोटल रिजल्ट क्या था 8 बिट का था, तो हम क्या करेंगे इसमें साइन एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे। तो यदि हमारा क्या है नंबर यदि कोई 0 से स्टार्ट है, डेट मीन्स क्या हो गया, नंबर इज़ पॉजिटिव वैन द नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम द वन, डेट मीन्स नंबर इज नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, जब भी नंबर को यदि 5 बिट को 8 बिट बना रहे हैं, डेट मीन्स क्या हो गया, हम साइन एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे। तो जो जो ब्लैंक स्पेस है उसमें क्या करेंगे हम साइन एक्सटेंशन, यदि 1 है तो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो 1 लिखेंगे, अदरवाइज 0 लिखेंगे। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम इसके बेसिस पे और बात करते हैं, बूथ एल्गोरिथम बेसिकली हमारा काम कैसे करती है। फर्स्ट तो पहले हम इस पर एग्जाम्पल करेंगे, देन वी सी द एल्गोरिथम, देन वी सी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम सेज फर्स्ट यू यूज एक्यूमुलेटर रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। दैट इज द साइज ऑफ मल्टीप्लिकेंट, जो भी हमारा साइज होगा मल्टीप्लिकेंट का उतने साइज का हम क्या करेंगे एक्यूमुलेटर रजिस्टर लेंगे, एंड इनिशियलाइज इट विद 0। हम क्या करेंगे, सबसे 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। तो हमारा क्या हो गया, देर आर 3 एक्यूमुलेटर। तो हमारा क्या है, जो मल्टीप्लायर है दैट इज ए सॉरी मल्टीप्लिकेंट इज द 0101011, तो दैट इज 5 बिट। तो हमारा क्या हो गया, जो एक्यूमुलेटर भी होगा वो क्या हो गया 5 बिट का हो गया। तो मैंने 5 times इसको 0 लिख लिया, मैं इसको इनिशियलाइज 0 कर दिया। सेकंड क्या है, मैंने इसमें क्यू लिखा, क्यू क्या है हमारा मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर क्या है हमारा 0110। इसके अलावा क्या है, एक बिट हम और लेंगे q-1, जो क्या होगी हमारी 0। अब इन देखते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। अभी मैं पहले तुम्हें एक बार करके दिखा रहा हूँ कि बेसिकली एल्गोरिथम कैसे काम कर रही है, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो हमने क्या करा, फर्स्ट थिंग क्या है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट भी क्या है हमारा, जो m है जो क्या है मल्टीप्लिकेंट है दैट इज 0101, एंड q दैट इज मल्टीप्लायर दैट इज 0110। तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लायर जो मेरा ऊपर वाला है दैट इज मल्टीप्लायर, तो 1011 ये 5 बिट्स का है, तो मैंने इसके क्रॉसपॉइंटिंग क्या है एक्यूमुलेटर रजिस्टर ले लिया इतने ही बिट का, और उसको इनिशियलाइज कर दिया विद 0। सेकंड क्या है, मैंने q क्या है मल्टीप्लायर, तो दैट इज 0110, तो मैंने ये ले लिया।
और इसमें एक बिट हम और ले रहे हैं क्यू माइनस वन, ये क्या बता रहा है हमारा, इसको हमने इनिशियलाइज क्या कर दिया, स्टार्टिंग में क्या होगी ये जीरो से होगी। ये हमारा क्या काम करेगी, जो हमने इससे पहले अभी तक एल्गोरिथम देखी तो उसमें क्या कर रहा है हमारा, कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, जो इससे पहले जो हमने एल्गोरिथम पढ़ी ये वाला, इसमें हम क्या करते थे भूत एल्गोरिथम में, इसमें हमने देखा था कि हमें क्या है वन एडिशन यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम वन एडिशन वन सब्ट्रैक्शन एंड फाइव शिफ्ट ऑपरेशन। फाइव शिफ्ट ऑपरेशन क्या हो गया, जितने नंबर ऑफ बिट का हमारा मल्टीप्लायर है उतने नंबर का क्या है शिफ्ट ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, और एक क्या है टू एस कॉम्प्लीमेंट मीन्स सब्ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, और एक क्या है एडिशन यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हमने अगेन बेटा क्या है ये रिजल्ट हमें कैसे लाएंगे, तो इसके लिए हमारी भूत एल्गोरिथम कैसे हम काम कर रहे हैं वो उसको देख रहे हैं। पहले ये बताओ बेटा यहाँ तक समझ में आ गया सबको, तो ये बताओ तब फिर मैं इसके आगे बढ़ूँ। थोड़ा सा इसके आगे क्या है कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा सुनना है ढंग से। पहले बताओ यहाँ तक मुझे एक बार रिप्लाई करो, सो आई गो फर्दर। बताओ बेटा, हेलो, ओके। तो यहाँ तक का तुम्हें समझ में आ गया। तो इसमें क्या है, मैंने क्या कहा तीन चीज़ें ली हमने, एक्यूमुलेटर क्यू एंड क्यू माइनस वन। तो इसमें क्या है कि जो क्यू क्यू में जो हमारी यहाँ पे सबसे लेस जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वही क्या होगी मेरी क्यू माइनस वन होगी। तो यहाँ जीरो थी तो मैंने ये भी क्या है जीरो। तो क्या है जब मेरे क्या है दोनों के दोनों जीरो है, मतलब क्या हो गया एक तरीके से ऐसे कैसे हम क्या करेंगे सिंपल अर्थमेटिक शिफ्ट, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट, मैं सिंपल आर एस लिख देता हूँ, ए आर एस अर्थमेटिक शिफ्ट। तो ये क्या बन गया मेरा जीरो 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 जीरो, ये ऐसे गया एच टी रहा, और ये क्या बन गया मेरा ये वाला, ये क्या हो गया ए आर एस। तो हम मुझे जो भी चेंजेस करने हैं वो किस में करना है क्यू में करना है, तो उसको मैं क्या करूँगा मेरा क्यू वन पे आ जाएगा, ये वन मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाली बिट क्या होगी धीरे धीरे क्यू माइनस वन में क्या होगी वैल्यू चेंज होगी। तो ये क्या बन गया हमारा जीरो जीरो वन टू थ्री, यहाँ पे यही होगा, और यहाँ पे क्या होगा अगेन ये जो यहाँ से जीरो हमारा निकला ये क्या हो गया यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया अगेन ये क्या आया बेटा जीरो। पहले बताओ ये स्टेप नंबर वन समझ में आया, हेलो, ओके। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं हम शिफ्ट राइट क्या है माइनस, एक हम क्या कर रहे हैं जब माइनस ऑपरेशन, तो हमारा माइनस एम क्या है हमारा माइनस एम इज जो मेरा स्टार्ट एम क्या है जीरो वन जीरो डबल वन, तो उसका मैं टू एस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। तो टू एस कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहा है हमारा क्या आएगा, फर्स्ट बिट को हम एज इज चेंज नहीं करेंगे, उसके बाद क्या होगी जो भी होगी उसको क्या करेंगे हम वन को जीरो बना देंगे और जीरो को वन बना देंगे, वन को जीरो एंड जीरो को वन, डेट इज टू एस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम। अब क्या करेंगे हम सिंपली एड, हम क्या करेंगे अब ए माइनस एम, तो हमारा ये क्या बन गया सिंपली ऐड कर दे रहे हम, तो ये डेट इज़ वन जीरो वन जीरो वन, और ये है ऊपर क्या है जीरो जीरो वन टू थ्री, और ये क्या है बिट जीरो, बाकी हमने एडिटिस ऊपर से डाल दिया। अब इसका क्या होगा हमारा ए माइनस एम क्या क्या करेंगे हम इसको टू की पावर वन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेट मीन्स क्या हो गया अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। तो इसको हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा डेट बिकम्स क्या आएगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा ये वाली बिट इधर जाएगी, अब ये वाली बिट यहाँ पे जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो। इसके अलावा क्या हम साइन एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या है वन है, तो यहाँ भी क्या आएगा बेटा हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन आएगा। लाइक वाइज इसमें भी हम अब ये क्या है मेरा वन यहाँ पे आएगा, तो ये क्या बन जाएगा वन जीरो जीरो वन वन, और ये वाली बिट क्या होगी मेरी यहाँ पे आएगी, तो ये क्या बन गई मेरी वन। हमने क्या करा था टू की पावर फोर माइनस टू की पावर वन इंटू एम, तो वही मैं काम कर रहा हूँ। तो एक मैंने क्या करा कॉम्प्लीमेंट लिया, और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम अर्थमेटिक राइट शिफ्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देखो हमारा क्या है जो ये पहले बिट थी हमारी क्या थी जीरो जीरो थी, यहाँ पे ये क्या थी मैं इसको येलो कलर से दिखा रहा हूँ, फर्स्ट बिट क्या थी मेरी ये जीरो और जीरो थी, उसके बाद नेक्स्ट बिट क्या है मेरी वन एंड जीरो है, अब क्या आ रही मेरी नेक्स्ट बिट क्या आ रही है वन एंड वन आ रही है। तो वन एंड वन जब ये आया तो अगेन क्या है वी अप्लाई ए आर एस डेट बिकम्स, अभी क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा ट्रिपल वन जीरो वन
एंड इट बिकम्स 01001, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 1 हमारी शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया। फिर उसका क्या है, अगेन हमारे पास क्या है, जो ये बिट है ये भी 1 है और ये भी 1 है, डेट मीन्स क्या हो गया, अगेन हम अर्थमेटिक राइट शिफ्ट अप्लाई करेंगे, डेट गिव्स यू 11110, और ये वाली क्या हो जाएगा हमारा 10100, और यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या हो गया हमारे पास, अब हमारा क्या हो गया, कुछ चेंजेस आया, ये वाली बिट क्या हमारी 0 है और ये बिट हमारी 1 है। जब 01 आया तो मतलब क्या हो गया, अब के बार हम क्या करेंगे, m को इसमें ऐड करेंगे, तब क्या आ जाएगा 01011। अब क्या करेंगे, a प्लस m, तो जब हमने a प्लस m कर रहे हैं तो a प्लस m क्या क्या दे रहा है रिजल्ट में हमें, 01001, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 10100, और ये क्या हो रहा है हमारी 1 इधर को शिफ्ट हो गया, तो ये क्या आ जाए हमारा बिट 1। हमें इतना काम कर लिया। अब क्या है, अब मेरे पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, डेट मीन्स क्या होगा, अगेन अर्थमेटिक राइट शिफ्ट, तो ये क्या दे रहा है मुझे 00100, और ये क्या आ रहा है 11010, और इट इज़ ए 0। तो यहाँ पे क्या है, जो ये हमारा 8 बिट का जो ये रिजल्ट आया 00100, यही क्या है मेरा प्रीवियस सम भी मेरा यही आ रहा था, तो इट इज़ योर रिजल्ट। ये क्या है बेटा, मेरा वही रिजल्ट आ रहा है जो पहले आया था 00100110010। यदि मैं इसको यदि मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो इट गिव्स यू 154, जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में लिया था, ये देखो 10011010, जो मेरा हमने इस मेथड से निकाला था उसी को मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ये सिखाया कि स्टेप बाय स्टेप ये कैसे एल्गोरिथम वर्क कर रही है। तो इसमें क्या है हमारी 4 चीज़ें हैं, क्या क्या है इसमें हमारी 4 थिंग है, इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हमारा क्यू नॉट एंड क्यू माइनस वन वाली बिट पे। यदि ये बिट हमारी क्या हो रही है 00 आ रही है दोनों बिट, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल अर्थमेटिक राइट शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या है, अब उसके बाद क्या है कि जब हमारा फर्स्ट वाला स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट वन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे ये 1 आएगा और ये बिट क्या होगी हमारी 0 होगी। डैट मीन्स क्या होगा, हमें ए माइनस एम ऑपरेशन अप्लाई करना है, और इसके साथ साथ क्या है अर्थमेटिक राइट शिफ्ट तो क्या होगा, सब में चले गई। नेक्स्ट क्या है, फिर हमारा 1-1 का हमारा पेयर चलता रहेगा, डैट इज ए आर एस, और जब क्या हो रहा है हमारा वंस क्या हो रहे हैं एंड हो रहे हैं, जब हमारे वंस एंड हो रहे हैं डैट मीन्स क्या हो गया, अगेन 01 मिलेगा। तो इसमें क्या होगा हमारा ए प्लस एम एंड अगेन अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। तो मैंने क्या कहा बेटा, यदि इसको थोड़ा सा यदि तुम्हें मुझे समझ में, मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को भी समझ में नहीं आया, मैंने क्या कहा कि जैसे हमारा ये क्यू था, क्या था हमारा क्यू, क्या था इसमें 0110, तो हमने क्या कहा बेटा, ये एल्गोरिथम काय के लिए काम करती है, जो हमारी नंबर ऑफ वंस है ये वाले, तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये 1 वाला पेयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो हमने जब क्या कहा, जो स्टार्टिंग में क्यू नॉट और क्यू माइनस वन क्या है, दोनों 00 हैं, तो डैट मीन्स क्या हो गया कि हमारा 1 का पेयर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना है, सिंपल अर्थमेटिक राइट शिफ्ट अप्लाई करना है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब 1 स्टार्ट हो जाएगा तो मतलब क्या होगा, हमारा जब राइट शिफ्ट कर देंगे तो ये बिट हमारी यहाँ पे आ जाएगी, 1 पे आ जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, 10 का पेयर मिलेगा। तो जब 10 का पेयर मिला तो मतलब क्या हो गया, हमारे 1 अभी स्टार्ट हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमने पहले देखा था कि क्या था 2^4 - 2^1 × m, तो मतलब क्या हो गया मुझे, 2^1 क्या दे रही थी मुझे, फर्स्ट वाले को दे रही थी, तो ये क्या करना है मुझे, a-1m, तो मुझे क्या करना है, a माइनस एम अप्लाई करना है और अर्थमेटिक राइट शिफ्ट अप्लाई करना है। उसके बाद क्या होगा, जैसे हम अब इस बिट के बाद क्या करेंगे, 1 पे नेक्स्ट वाले पे चलेंगे, तो हमारे क्या हो गया, बंडल ऑफ 1 क्या होंगे, चल रहे होंगे, तो चैन ऑफ 1 चल रहा होगा, तो डैट मीन्स क्या होगा, मुझे खाली अर्थमेटिक राइट शिफ्ट अप्लाई करना है। अब लास्ट क्या होगा, जब दोबारा क्या होगा, मेरे 1 नंबर ऑफ 1s क्या होंगे, फिनिश होंगे, तो डैट मीन्स क्या है, अगेन वी गेट द पेयर ऑफ 01। तो इस केस में क्या होगा, सिंपली वी अप्लाई ए प्लस एम एंड अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। तो यहाँ पे इस केस में क्या होंगे, जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट ऑफ मल्टीप्लिकेंड, जो हमारा मल्टीप्लिकेंड में जितने नंबर ऑफ बिट होंगे उतने नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे हमारे इसमें अप्लाई होंगे। जैसे हमारा स्टेप नंबर 1 क्या था, ये था स्टेप नंबर 1, फिर क्या था स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2,
फिर क्या था, ए प्लस एस ये वाला था थर्ड स्टेप। फिर क्या कर रहा था हमने, ए आर एस दो बार अप्लाई करा यहाँ पे, तो 5 बिट का था, तो हमारा क्या है 5 बिट का ही है। फर्स्ट वाला स्टेप मैंने ऊपर, पहले ही बताओ बेटा इसमें कुछ बात समझ में आई या नहीं आई है, मैं दोबारा समझाऊँ। हेलो हेलो, ओके तो चलो मैं तो समझा रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा बेटा, एक्चुअल में जो भूत एल्गोरिथम है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, जैसे इससे पहले थोड़ा सा जो मैंने भूत एल्गोरिथम का एक और बताई थी चीज़ें, उतनी बात समझ लो पहले। तो हम भूत एल्गोरिथम में जो ये बेसिकली हम काम कैसे कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा गेम किस पे करता है, मल्टीप्लायर पे, सॉरी मल्टीप्लिकेंड पे करता है, कि जितने नंबर ऑफ बिट होंगे उतने स्टेप्स होंगे। और क्या होंगे मल्टीप्लायर में, क्या है नंबर ऑफ वंस का हमारा कितना बंडल है, कि ये 3 लगातार है, 4 है, 5 है, 6 है, तो उस केस में क्या होती है, ये हमारी बेस्ट एल्गोरिथम उस समय काम करती है। तो इस एल्गोरिथम में कैसे काम करते हैं, कि नंबर ऑफ वन हमारे मल्टीप्लायर में कहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं और कब ख़त्म हो रहे हैं, तो उसको हमने यदि देखें तो क्या है, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4 पे हमारे क्या हो रहा है फिनिश हो रहे हैं, और 2 की पावर 1 में क्या हो रहा है हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसको हमने क्या लिखा, 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 1 इंटू m, उतने टाइम्स क्या होगा हमारा जो m होगा उतने टाइम तो मल्टीप्लाई होगा, बाकी टाइम पे क्या होगी जो मेरी बिट होगी वो 0 होगी। तो जब 0 होगी तो क्या होगा, जो मेरा मल्टीप्लिकेंड होगा उस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेंड पे जब फ़र्क कब पड़ेगा, जब मेरे नंबर ऑफ वंस क्या होंगे स्टार्ट हो रहे होंगे और नंबर ऑफ वंस क्या हो रहे होंगे फिनिश हो रहे होंगे। तो ये जितने नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा, मान लें कि अभी ये फर्स्ट टाइम हमारा 1 का पेयर आया, फिर ऐसे ही नेक्स्ट टाइम हमारा लेट सपोज दोबारा आएगा, तो एवरी टाइम क्या होगा हमारा जो मल्टीप्लिकेंड होगा उसमें चेंजेस कब आएंगे, जब मेरा नंबर ऑफ वन से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो अब मैं इसको यदि फिर सिंपली यदि मैं इसको यदि सॉर्ट आउट करूँ 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर m को, तो मैंने क्या करा इसमें हमारा क्या हो रहा है, एक बार तो क्या हो रहा है 2 की पावर 4 इंटू m ये हो रहा है, और एक बार क्या हो रहा है 2 की पावर 1 इंटू माइनस m हो रहा है। तो माइनस m का मतलब क्या हो रहा है ये, कि यहाँ पे क्या हो रहा है हम 2s कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर रहे हैं, और 2 की पावर 4 इंटू m का मतलब क्या हो गया, मैंने नंबर को क्या और कर रहा हूँ 4 टाइम्स राइट शिफ्ट कर रहा हूँ। यदि हम किसी नंबर को 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डैट मीन्स क्या हो गया कि यदि हमारा नंबर पहले 2 था, यदि हमारा नंबर पहले 2 था हम उसको 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो डैट मीन्स क्या हो गया जो नंबर क्या बन गया मेरा, एक और नया पेज लेता हूँ, हमारा क्या था नंबर यदि अभी 2 था, 2 मीन्स 0 1 0। अब मैं क्या करूँ यदि मुझे इसको 4 बनाना है, मतलब क्या होगा 2 की पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 1 इंटू 2, तो मतलब क्या हो गया इट गिव्स यू 4, तो 4 का मतलब क्या होता है 1 0 0। तो हम क्या करते हैं बेटा, नंबर को हमने क्या करा शिफ्ट कर रहे हैं, ये तो काम कर रहे हैं हम अर्थमेटिक, क्या कर रहे हैं हम शिफ्ट कर रहे हैं, हम शिफ्ट करते हैं, और यदि मुझे नंबर को हाफ करना है डैट इज़ 2 डिवाइड बाई 2, यदि मुझे 2 डिवाइड बाई 2 करना है डैट इज गिव्स यू 1, तो 1 का मतलब क्या हो गया 0 0 1, तो मतलब क्या हो गया इस 1 को मैंने यहाँ शिफ्ट करा, और जब मुझे मल्टीप्लाई करना है तो डैट मीन्स मुझे यहाँ पे शिफ्ट करा। तो ये क्या है मेरा शिफ्ट ऑपरेशन है जो तुम लोगों ने डिजिटल लॉजिक में पढ़ा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक तो शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड क्या है 2s कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो 2s कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे नंबर ऑफ वंस क्या हो रहे हैं मेरे स्टार्ट हो रहे हैं, नंबर ऑफ वंस क्या हो रहे हैं स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ वन स्टार्ट हो रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है मल्टीप्लाई जो जो मल्टीप्लिकेंड है वो क्या हो जा रहा है माइनस एम हो जा रहा है, क्योंकि उसको हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और लास्ट वाले में क्या करना पड़ेगा हमें माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लायर को ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डेट मीन्स क्या हो गया हमारा ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई हुआ, यही मैं तुम्हें बताया अभी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे जब हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं मतलब क्या हो गया 1 को मैं और आगे मूव कर रहा हूँ। लाइक वाइज यदि मैंने 4 इंटू 2 करना है डेट मीन्स 8, तो 8 का मतलब क्या हो गया, 8 का मतलब क्या हो गया 1 0 0 0, यदि मैं इसको 4 बिट में डिवाइड करूँ तो ये क्या हो जाएगा 8 बिट। तो लाइक वाइज यदि मैं 16 करना है तो एक और हमारा 1 खिसक जाएगा। तो हम जितना लेफ्ट शिफ्ट करेंगे मतलब क्या हो गया नंबर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, और यदि राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो मतलब वैल्यू की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम कम कर रहे हैं। तो इसी स्टेप को जो हमने अभी करा था इसी को हमने क्या करा अब भूत एल्गोरिथम से दिखाने की कोशिश कर रहा था मैं तुम्हें। तो भूत एल्गोरिथम के में क्या होता है हमारा फर्स्ट क्या है, हम लोगों एक क्यू माइनस वन एक हम एक और ले लेते हैं रजिस्टर ले लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो सबसे लास्ट बिट होगी क्यू की मल्टीप्लाई की होगी वही बिट हम क्या लिख देंगे वहाँ पे पहली बिट वही लिख देंगे। तो यहाँ भी हमारी 0 थी
उसको हमने यहाँ भी क्या कर दिया, जीरो कर दिया। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ वंस, यदि हमारा क्या है ये बिट भी जीरो है और ये बिट भी जीरो है, डेट मीन्स क्या हो गया, अभी हमारा क्या है नंबर ऑफ वंस स्टार्ट नहीं हुए हैं, यही तो मतलब हुआ। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हमने क्या करा, ARS सिंपली क्या कर दिया हमने, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, जो टोटल हमारा पहले हमने 5 बिट का जो मल्टीप्लिकेंट था उसको जो हमने जीरो से स्लाइस करा था और क्यू और इसके अलावा जीरो, हम क्या कर रहे हैं सिंपल अर्थमेटिक राइट शिफ्ट अप्लाई करा। तो ये हमारा अप्लाई करने का क्या हो गया, जीरो जीरो मेरा कोई भी चेंजेस नहीं आया, वही रहेगा, और इधर वाला जीरो क्या होगा ये यहाँ पे पहुँच गया, और इसके अलावा क्या हो गया ये आ गया। अब क्या हो गया, जो उसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट बिट क्या हो गई, वन आ गई, और इधर क्या हो गई जीरो आ गई। तो हम क्या करेंगे, अब वन और जीरो आया तो वन और जीरो का मतलब क्या हो गया मेरा, अब मेरे नंबर ऑफ वंस क्या हो रहा है स्टार्ट हो रहे हैं, तो डैट मीन्स क्या हो गया मुझे माइनस एम ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो माइनस एम किसका करते हैं, मल्टीप्लिकेंट का। तो मैं क्या करूँगा, 01011 का क्या करा मैंने, 2s कॉम्प्लीमेंट निकाला, डेट गिव्स यू 10101। फिर उसका क्या करेंगे हम a माइनस एम, जो भी हमारा ऊपर वाला था उस रिजल्ट में हम क्या करेंगे माइनस एम को ऐड कर देंगे सिंपली। तो इट गिव्स यू अगेन, कोई भी चेंजेस नहीं आया क्योंकि सब 00 थे, तो इट गिव्स यू अगेन 10101 और ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करेंगे, तो डैट मीन्स क्या हो गया सबको राइट राइट शिफ्ट करते आ गए। तो हमने क्या करा करा, तो उसके बाद क्या हो गया अगेन हमें क्या मिली, ये बिट 11 मिली। तो जब ये दोनों दोनों बिट 11 मिली तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी हम नंबर ऑफ वन से गुजर रहे हैं। अभी इसका मतलब क्या हो गया, ना मुझे माइनस एम करना है ना प्लस एम करना है, मुझे क्या करना है सिर्फ ARS अर्थमेटिक राइट शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो मैंने करते चले गया, फिर करा, और उसका करने का क्या है अगेन ये बिट 11 आई, डेट मीन्स क्या हो गया मुझे अर्थमेटिक राइट शिफ्ट दोबारा अप्लाई करा। करने के बाद क्या हो गया, फिर मुझे मिली अब क्या बिट 0 एंड 1। तो 0 एंड 1 का मिला क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा मल्टीप्लिकेंट था, मल्टीप्लिकेंट में क्या हो गई मल्टीप्लायर में कि हमारी पहले अब क्या हो गया वन नंबर ऑफ वंस क्या हो रहे हैं फिनिश हो रहे हैं। तो फिनिश हो रहा था मतलब क्या हो गया, अब मुझे प्लस एम को जो मल्टीप्लिकेंट था उसको क्या करना है ऐड करना है। सो सिंपली मैंने ऐड करा, और ऐड करने के बाद क्या करा दोबारा राइट शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई करा। अब उसका क्या है अगेन 00 मिल गया, तो मतलब क्या हो गया जीरो की मेरी दोबारा क्या हो गया बेटा मेरा वहीं पे पहुंच गया, नंबर ऑफ वंस हमारे नहीं है। यदि आगे होते तो हम और भी करते हैं। पहली बार बात बताओ बेटा, ये समझ आई या नहीं आई इतनी बार। हेलो, थोड़ा सा बेटा पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसमें हमारा क्या है सारा गेम किस में, क्यू नॉट और क्यू माइनस में। यदि ये बिट 00 है तो इसका मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ वंस नॉट स्टार्ट है। अगर नंबर वंस नहीं आए तो हम क्या करेंगे सिंपल अर्थमेटिक राइट शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और नंबर ऑफ वन स्टार्ट हो रहे तो मतलब क्या हो गया ये दोनों बिट क्या होंगी 10 होंगी, 101 10 होगी। डेट मीन्स क्या हमें नंबर मल्टीप्लिकेंट का हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, 2s कॉम्प्लीमेंट और राइट शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई कर रहा है। फिर जब क्या होगी मुझे बिट 11 मिलेगी तो मतलब क्या हो गया अर्थमेटिक राइट शिफ्ट मिलेगा, और जब हमारे 1 एंड हो रहे हैं डेट मीन्स वी गेट द पेयर ऑफ 01, डेट मीन्स वी एड प्लस एम एंड अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप इसमें रिक्वायर्ड है वो क्या है हमारे नंबर ऑफ बिट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये अब इसके हम बात करेंगे बेटा एल्गोरिथम की। तो एल्गोरिथम तुम्हें इसमें समझ आ जाएगी, बहुत आसान एल्गोरिथम है। बूथ एल्गोरिथम की बेसिक अब एल्गोरिथम क्या है, पहले मैं तुम्हें एग्जांपल समझाया कि ताकि तुम्हें क्या है समझ में आ जाए कि बेसिकली हमारा हो क्या रहा है, हम कैसे इसमें रिजल्ट मिल रहा है। अब मुझे क्या है इसकी एल्गोरिथम लिखनी है। तो एल्गोरिथम में सबसे पहले क्या है स्टार्ट, फर्स्ट स्टेप क्या होता है स्टार्ट, ये लिखते हैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम ऑपरेशन लिख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले एक्यूमुलेटर रजिस्टर लेते हैं, और एक्यूमुलेटर रजिस्टर को क्या कर देते हैं हम जीरो कर देते हैं, जिसका साइज़ क्या होता है हमारा मल्टीप्लिकेंट के बराबर होता है। और उसके अलावा हम एक क्यू माइनस वन बिट लेते हैं, इसको भी हम क्या कर देते हैं जीरो से इनिशियलाइज़ कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, हम एम में, एम क्या होता है हमारा मल्टीप्लिकेंट होता है एंड क्यू इज़ द मल्टीप्लायर। हमने ये सब वैल्यू क्या कर ले रहे हैं लोड कर ले रहे हैं। और एक स्टेप और लगाया हमने काउंट, एक काउंट वेरिएबल और लगाया है जो हमारा ये बता रहा है कि नंबर ऑफ स्टेप कितने हो गए हैं। तो जिसको हमने क्या कर दिया एन से इनिशियलाइज कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा ये स्टेप। इसके बाद हम क्या करते हैं, इतने काम के बाद हम क्या करते हैं क्यू नॉट क्यू वन को हम चेक कर रहे हैं। वी चेक क्यू नॉट एंड क्यू वन बिट, क्यू नॉट एंड क्यू माइनस वन बिट को हम चेक कर रहे हैं। यदि ये बिट क्या हो रही है मेरी 01 है, तो 01 का मतलब क्या हो गया मेरा नंबर ऑफ वंस वन क्या हो रहा है मेरे एंड हो रहे हैं।
तो दैट मीन्स क्या हो गया, ए की वैल्यू में क्या कर रहा हूँ मैं, ए प्लस एम, और यदि ये बिट क्या है मेरी 10 है, यदि मेरी बिट क्या है ये 10 आ रही है, दैट मीन्स क्या है मुझे सब्ट्रैक्शन, तो ए इक्वल टू ए माइनस एम, मैंने ये परफॉर्म कर रहा हूँ। इसके अलावा क्या है, जब नंबर ऑफ बिट दोनों क्या है सेम है, सेम है, दैट मीन्स क्या है आइदर ये दोनों बिट क्या है 11 है या 00 है, तो उसमें क्या करना है मुझे सिर्फ अर्थमेटिक राइट शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई करना है, देन वी अप्लाई अर्थमेटिक राइट शिफ्ट, कहाँ से ए क्यू से क्यू माइनस वन, और उसके अलावा क्या है काउंट की वैल्यू को मैं, काउंट इज लेस देन काउंट माइनस वन, हम क्या करेंगे काउंट की वैल्यू को काउंट से कम कर दे रहे हैं, जो एन क्या है हमारा तो मल्टीप्लिकेंट का हमारा साइज कितना है, और उसका क्या है जैसे जैसे हमारे स्टेप चलते रहेंगे इस वैल्यू को एक एक कम करते जाएंगे, तो ए प्लस एम की बात क्या कर रहे हैं हम, अगेन हम अर्थमेटिक राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको यहीं पर ले आया, और ऐसे क्या है ए प्लस एम माइनस एम के बाद भी क्या हम अर्थमेटिक राइट शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या है, यदि बेटा नीचे जगह नहीं है मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पर बना दे रहा हूँ, इसके बाद का स्टेप क्या है, यहाँ पे जगह नहीं मैं इसको यहाँ पे बना दे रहा हूँ, इसके बाद क्या है यदि हमारा क्या है अगेन हम चेक कर रहे हैं लास्ट में काउंट क्या मेरा 0 है, यदि मेरा काउंट 0 है मतलब क्या हो गया मेरी एल्गोरिथम फिनिश हो गई, डैट मीन्स यस, तो हमारे क्या हो गया हमें यस हो गया, और यस का मतलब क्या हो गया मुझे एंड हो गई मेरी एल्गोरिथम। अब यदि हमारा क्या है काउंट 0 नहीं है, काउंट 0 नहीं है डैट मीन्स नो, तो उस केस में क्या करेंगे अगेन हम क्या करेंगे दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे और इसको हम दोबारा क्यू नॉट क्यू वन को चेक करते जाएंगे। पहले ये बताओ बेटा ये समझ में आई जो मैंने ये लिखी है एल्गोरिथम फ्लो चार्ट बनाया है, किसी को कन्फ्यूजन? ओके, तो इसमें फर्स्ट सब बेटा वही है हमारा, फर्स्ट क्या है ए का मतलब क्या होगा एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर का साइज क्या होगा डेट इज़ द साइज ऑफ मल्टीप्लिकेंट, तो यदि हमारा मल्टीप्लिकेंट 5 बिट का होगा तो एक्यूमुलेटर 5 बिट का होगा, उसको हम 0 से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, और जो हमने क्यू माइनस वन एक नेक्स्ट जो एक और बिट लिया उसको हम 0 से इनिशियलाइज कर दिया, फिर उसके बाद क्या है हमने मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर को दोनों को लोड कर लिया, और हमने क्या करा जितना हमारा साइज क्या है मल्टीप्लायर का है उतना हमने क्या करा काउंट उसको हमने उतने नंबर ऑफ से इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम क्यू नॉट और क्यू माइनस वन बिट को हम चेक कर रहे हैं, यदि ये दोनों बिट सेम है तो डैट मीन्स क्या हो गया या तो 00 का मतलब क्या हो गया मेरा 1 का पेयर स्टार्ट नहीं हुआ, और 11 का मतलब क्या हो गया दोनों बिट 11 है डैट मीन्स क्या हो गया मैं 1 के ब्लॉक में चल रहा हूँ, डैट मीन्स क्या होगा अर्थमेटिक राइट शिफ्ट होगा ऑपरेशन अप्लाई होगा और काउंट की वैल्यू को माइनस करेंगे, और इसके अलावा यदि हमारी क्या है बिट आर चेंजेस डैट इज डेट आइदर इट इज 01, तो 01 का मतलब क्या हो गया मेरा कि हमारे टोटल नंबर ऑफ वंस क्या हो रहे हैं एंड हो रहे हैं, तो एंड मीन्स मैं प्लस एम करूंगा, और 10 का मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ वंस क्या हो रहे हैं मैं स्टार्ट हो रहे हैं, डैट मीन्स क्या है वी अप्लाई 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेंट एंड विद सिंपली अर्थमेटिक राइट शिफ्ट, और इसके अलावा क्या है जो काउंट की वैल्यू को मैंने माइनस करके आ रहा हूँ, तो जितनी बार मेरा अर्थमेटिक राइट शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई होगा हर बार क्या होगी काउंट की वैल्यू माइनस होगी, या तो वो डायरेक्ट होगा अर्थमेटिक राइट शिफ्ट या क्या होगा प्लस एम और माइनस एम के बाद होगा, तो जितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेंट होंगे उतने नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे मेरे इसमें चलेंगे, यदि उसके बाद लास्ट में क्या यदि मेरी काउंट की वैल्यू 0 मिल गई डायरेक्ट मीन्स क्या हो गई मैंने पूरा मल्टीप्लाई कर लिया है एंड फिनिश एल्गोरिथम, और अदरवाइज क्या है यदि काउंट की वैल्यू 0 नहीं है डैट मीन्स क्या है वी अगेन चेक द स्टेटस ऑफ क्यू नॉट एंड क्यू माइनस वन एंड सिंपली परफॉर्म द ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू क्यू नॉट एंड क्यू माइनस वन।